नमस्कार फ्रेंड्स फेसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा फ्रेंड्स ग्रोइंग पीरियड में पौधों को जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वैसे ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में पौधों को पोटेशियम की ज़रूरत होती है पोटेशियम की अगर डेफिशियंसी हो तो पौधे में फूल फल ठीक तरह से नहीं आते हैं और अगर फूल आते भी है तो झड़ जाते हैं इसलिए फल पाने की कोई सवाल ही नहीं रहती है इसलिए हम लोग फ्लावरिंग और और फ्रूटिंग स्टेज में नाइट्रोजन लोगफोरास थोड़ा कम करके पोटासियम रिच फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं तो आप पोटासियम रिच फर्टिलाइजर केमिकली भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिकली भी दे सकते हैं आज की वीडियो में मैं पांच पोटासियम ऑर्गेनिक पोटेशियम के सोर्स के बारे में बताऊंगी और जिन चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगी उन चीजों को आप अगर ठीक तरह से प्रयोग कर सकते हैं या ठीक तरह से आप अगर यूज कर सकते हैं तो गार्डन में तो आपको एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा बिना पैसा खर्च किए आप बहुत अच्छी फूल फल सब्जी घर की जो जैविक पोटेशियम है उसी को प्रयोग करके आप बहुत अच्छी फूल फल सब्जी घर पर ग्रो कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जैविक पोटाशियम के सोर्स को तो सबसे पहले मैं जो चीज़ रखी हूँ वो है प्यास के छिलके प्यास के छिलके में पोटाशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है पोटाशियम के अलावा और भी कई न्यूट्रिएंट इसके अंदर है लेकिन पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है और इसलिए आप अगर सही तरह से प्याज के छिलके को यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं गार्डन में तो बहुत अच्छी फूल फल सब्जी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं दूसरे नंबर पर जो पोटेशियम के सोर्स को मैं रखी हूं वो है राख आप किसी भी तरह की राख ले सकते हैं राख में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होती है राख में पोटेशियम के अलावा कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है तो जो भी हो आप किसी भी तरह की राख ले सकते हैं राख आप घर पर बना भी सकते हैं नहीं तो रेस्टोरेंट से या अपने घर आपके घर के आसपास जो छोटे मोटे चाय के दुकान हैं उस दुकान उन, उन सब दुकान से भी आप राख मैनेज कर सकते हैं पहले जमाने में जब केमिकल खाद नहीं था तो किसान लोग अपने खेत में राख की प्रयोग करते थे और बहुत अच्छी फसल राख प्रयोग करके उगाते थे तीसरे नंबर पर मैं जो पोटाशियम के सोर्स को रखी हूँ वो है आलू की छिलके आलू के छिलके हम लोग हमारे हमारे सभी हम सभी लोगों के की किचन में हर रोज निकलते हैं हम लोग इसको फेंक देते हैं लेकिन फ्रेंड्स आलू के छिलके को कभी भी नहीं फेंकिएगा आलू के छिलके में भी पोटाशियम होती है इसको हम लोग तरल खाद बना के भी यूज कर सकते हैं नहीं तो आलू के छिलके को सूखा के मिट्टी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं चौथे नंबर पर जो पोटेशियम की जैविक सोर्स मैं रखी हूँ वो है केले के छिलके केले के छिलके में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है सही मात्रा में अगर आप प्रयोग कर सकते हैं पौधे में केले के छिलके की खाद तो आपको रासायनिक पोटेशियम प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होगी और इन सभी इंग्रेडिएंट को आप एक तरह से प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं है कई तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं हर वीडियो हम लाएंगे चैनल के साथ रहिएगा हर जरूरी वीडियो आपको मिलती रहेगी तो केले के छिलके कभी नहीं फेंकिएगा। इसको भी आप तरल खाद बना सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं और इसको मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं और लास्ट जो पोटेशियम की सोर्स मैं रखी हूं वो है खीरा की छिलके खीरा के छिलके में भी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है इसलिए खीरा के छिलके को भी कभी भी ना फेंकिएगा खी खीरा के छिलके को भी आप आलू के छिलके के जैसा यूज कर सकते हैं। तरल खाद बना के या सूखा के मिट्टी के अंदर भी आप सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन पांचों जो इंग्रेडिएंट्स है ये सभी में बहुत अच्छी मात्रा में पोटासियम होता है आप इसको यूज करके देखिए बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी आपके गार्डन में तो फ्रेंड्स आज इतना ही नमस्कार